मुख्य अभियुक्त गोविंद साहू को बलांगीर पुलिस पांचदिनिया रिमांड आज चतुर्थ दिन आज बी गोविंद को जेरा करुची पुलिस और मुख्य सहयोगी गोविंद साहूर जी कहला ड्राइवर राधे घर स्त्री जो ब्याग देते सीटा ममितर नुहे बोली पुलिस एबे कहुची जदि ममितर नुहे तो ब्याग कहार जो थे गोटे दुईहल ड्रेस थिला और गोटे मोबाइल चार्जर गोटे मोबाइल बाहरी इको नहीं गोटे बड़ रहस्य नूतन मिश्रा आम बलांगीर प्रतिनिधि आम सहित रोचान फोन लाइन इन अधिक सूचना देवाई नूतन दुईटे जिनस गोटे पटे आम देखुचे ममिता बापा माँ जो मैंने रही चेन आउर पाउजी तो पुलिस हस्तांतर करूँ बलांगीर जिलापा भी भेटी एसपी आउ उत्तरांचल डीआईजी को भेटी सहित आलोचना कर प्रकार आलोचना कर द्वितीय बड़ प्रश्न है जो ब्याग आप सीसीटीवी से फुटेज ममिता धरीवार देखा जा राधे स्त्री ये ब्याग देते घर थी कि बर्तमान पुलिस ये बयान दौर ये ममिता ब्याग नुहे जदि ममिता ब्याग नुहे तो ये ब्याग कहार एक नहीं आहरी अनेक रहस्य अच्छी कि देखंतु इतिश्री ये हूँ सब बड़ प्रश्न जे जदि एवं बर्तमान जिते कहगला जे से बैग टी देखा जाता सब सामग्री देखा जाता से सीधा सड़क कही केवल से पाउजी आउ जो चेन रही केवल झीवर किंतु जो सब सामग्री देखा जाता बैग्रे जो बैग्र जो आज बैग्र जो चर्चा रही से बैग टी तर नुह किंबा झीर नुह बोली मोबाइल को प्रथम रु से आम झीर नुह बोली किंतु वर्तमान ताकि बैग मध्य नुह तेरे एवं प्रश्न सब बड़ प्रश्न जे बैग टी कहार ए नहीं पुलिस तदंत वर्तमान करुची से बैग को नहीं कि वर्तमान जो चर्चा लग रही तहार गोटे प्रकार स्पष्ट हो परिवार लोक को देखेला परे से बैग रो खुलासा है जे बैग टी ममिता नुह आ गोटे पटे जी देखा से परिवार तांको माँ बापा वर्तमान आसी जिलापा पाखक जिलापा सहित आलोचना करते देखा करते दाबी करते जो भाव में झील को लेकिन चर्चा होकर राजनीतिकरण न करवार को न्याय मिलू ए नहीं कि बयान रही जिलापा अनुरोध करके भेटिकी फेरी फेर पर पुणी बलांगीर देखु दीर्घ तीन दिन धरिकी बलांगीर एसपी कार्यालय जेरा करचरा उचरा कर एसपी कार्यालय आठ पचरा उचरा करु जो गणमाम भय रही किंवा आम कह लोक भय रही आज स्थानातर कर स्थान डीआईजी एवं एसपी रिजर्व पुलिस जो एसपी कार्यालय रही दिन तमाम बसी सेठारे विभिन्न लोक को डक से पचरा उचरा कर वर्तमान रिजर्व पुलिस जो एसपी कार्यालय रही ममिता माँ बापा रही अधिक आलोचना सहित जानवाक चाहिए कते समय है ये उत्तरांचल डीआईजी कहतु एसपी ऑफिस रे एसपी जो जो आप कहते रिजर्व पुलिस एसपी ऑफिस जो रही कथबार्ता करते समय अंततः अनुमानिक कहार कथबार्ता एवं जारी रही देखु कथबार्ता तो किसी मात्र पंद्रह दस दस रु पंद्रह मिनिट होती किंतु जदि आम देखा आज सका एसपी एवं डीआईजी सका उपस्थित अच्छा रिजर्व पुलिस भितर जेहेतु आम दीर्घ दिन धरिकी गणमाम प्रतिनिधि मानने सब बेले एसपी अफिस् घेरी रही जगी रही पारे तदंत कि व्याघात सृष्टि होनुमान से आज स्थानातर कर स्थान एवं आज बलांगीर रिजर्व पुलिस जो एसपी कार्यालय स्पष्ट भाव में सूचना चाहिए आप पूर्व कथलु आम कह जो पुराणा जगह कथ कौन जोटि गोविंद साहू को जेरा कर गोविंद साहू बर्तमान भी अच्छी आम एक स्पष्ट भाव में कहीपर कि डीआईजी हूँ एसपी हूँ आसिक रिजर्व पुलिस एसपी अफिस स्पष्ट करवा ना आउ कि नूतन अच्छी सूचना देवाई देखो जिते बड़े प्रथम रु गोविंद साहू को अणा जाता एसपी कार्यालय जो कड़ा सुरक्षा बल से वर्तमान गोविंद साहू अच्छा पचरा उचरा करते सहित किसी लोक को सामना आमना सामना करा कथा किंबा आलोचना करा कथा से जगार करा किंतु वर्तमान जिते बड़े चार्जशीट विभिन्न डॉक्यूमेंट काम चली माँ बापा हूँ किंबा संपृक्ति आउ किसी लोक हूँ तांकु वर्तमान एसपी ऑफिस को अणा जाए ना किंवा सेठारे पचरा उचरा करा जाए ना केवल जहार संपृक्ति आमना सामना दरकार थिला गोविंद सहित से मानकु जे निया जाइथिला एसपी ऑफिस और जो मानकु
ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ବଲାଙ୍ଗୀର ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସର ଯୋଉ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ସେଠାରେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଏବଂ ଏସ୍ପି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ନୂତନ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଯାହା ନୂତନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଚାର୍ଜସିଟ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖାଯିବ, କେତେ ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହେବ, ଦଫା ତ ଅନ୍ତତଃ ଲାଗିସାରିଛି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦଫା ଲାଗିବ, ଏ ସବୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଡିଆଇଜି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜିଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଏସ୍ପିଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସର ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଅଛି ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଯାଇକି ମମିତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 15-20 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କୁହାଯାଇପାରିବ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ ମମିତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନୂତନ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସୂଚନା ପାଇଁ।